हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, मैं हूँ शुभम सिंह। अभी मैं हूँ अमृतसर रेलवे स्टेशन पे। कल रात में ही मैं यहाँ पर आ गया था और अभी सुबह हो चुका है और आज मैं जाने वाला हूँ गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग और अटारी बॉर्डर, बाघा बॉर्डर, वो भी बहुत कम पैसों में। यह है अमृतसर रेलवे स्टेशन का कुछ ऐसा नज़ारा। स्वर्ण मंदिर जाने के लिए स्टेशन के सामने से ही आपको एक पीली रंग की बस दिख जाएगी। ये बस मंदिर ट्रस्ट की तरफ से चलाया जाता है, जो कि बिल्कुल फ्री में मंदिर परिसर तक आपको छोड़ देगा। और गाइस, मंदिर को देखने का मेरा बचपन से सपना था। पहले किताबों में पढ़ता था स्वर्ण मंदिर के बारे में, तो काफ़ी जिज्ञासा पैदा होती थी यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस मंदिर को देखने के लिए, लेकिन बचपन में पहुँच नहीं पाया। बट अभी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और अभी मैं हूँ गोल्डन टेम्पल के जस्ट सामने। और अभी वो पीछे गोल्डन टेम्पल दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, अभी मैं वहाँ पर जाने वाला हूँ। जब आप मेन रोड से थोड़ा सा अंदर आएंगे तो आपको ये चौक दिख जाएगा, जहाँ पर महाराणा रणजीत सिंह की ये मूर्ति बनी हुई है। ये गुरुद्वारा 24 घंटे खुला रहता है, इसी वजह से लोगों का आना जाना यहाँ पर हमेशा लगा रहता है। यहाँ आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। मंदिर परिसर में पहुंचने के बाद जूते और बैग जमा करवाने के आपको अलग अलग काउंटर दिख जाएंगे, जहां पर आप आसानी से अपने जूते और बैग को जमा करवा सकते हैं। और गाइस, ये है श्री हरि मंदिर साहिब, जिसे दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। यह सिख धर्मावलंबियों का सबसे पावन स्थल है। यह मंदिर जिस सरोवर के बीचों बीच बना हुआ है उसे अमृत सरोवर कहते हैं, जिसे गुरु रामदास जी ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। अमृतसर का नाम भी इसी सरोवर के नाम पर रखा गया है। पूरा अमृतसर इसी स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ बसा हुआ है। रात में इस मंदिर की खूबसूरती को चार चांद लग जाता है। ऐसा लगता है कि चमकता हुआ चांद सीधा इस सरोवर में उतर आया हो। यहाँ पर 24 घंटे भक्तों का तांता लगा रहता है। प्रतिदिन यहाँ पर लाखों भक्तगण आते हैं और लाखों भक्तगणों के लिए यहाँ पर भोजन की उत्तम व्यवस्था भी रहती है। तो गाइस, मैं स्वर्ण मंदिर दर्शन के बाद अब निकल चुका हूँ जलियांवाला बाग के लिए। मैं पहुँच चुका हूँ जलियांवाला बाग में। ये बाग गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल पास है और यहाँ भी काफी भीड़ है, आप देख सकते हैं। गाइस, ये वही बाग है जहां पर अंग्रेजों ने निहत्थे निर्दोष लोगों पर अंधाधुंध गोलियों की बारिश कर दी थी, जिसे भारतीय इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। ये जो सामने कुआं दिख रहा है, इसी कुएं में बहुत सारे लोग अंग्रेजों की गोलियों से बचने के लिए कूद पड़े थे, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई थी। ये जो दीवारों पर निशान बना हुआ है, दरअसल ये गोलियों के निशान है जिन्हें मार्क किया गया है। 13 अप्रैल 1919 को जब हजारों की संख्या में भारतीय इस बाग में इकट्ठा होकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, तब जनरल डायर के कहने पर इस बाग के मुख्य द्वार को बंद करके हजारों निर्दोष भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियों की बारिश कर दी गई, जिसकी वजह से 400 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 1200 से अधिक लोग घायल हुए, जिसे भारत के इतिहास की काली घटना के रूप में याद किया जाता है। गाइस, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अटारी बाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी देखने के लिए। आप देख सकते हैं कि यहां हजारों की तादाद में पब्लिक आई हुई है और लोगों के बीच में कितना उत्साह है। गोल्डन टेम्पल से अटारी बाघा बॉर्डर तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसे ही आप गोल्डन टेम्पल पहुँचेंगे, वहाँ पर बहुत सारे लोग दिख जाएंगे, जो मात्र 150 रुपये में अटारी बाघा बॉर्डर के लिए आने और जाने का बुकिंग करते हैं। तो आप मात्र 150 रुपये में यहाँ आने और जाने का बुकिंग करा सकते हैं, जो कि काफ़ी कम है। वो जो सामने का गेट दिख रहा है, वो बाघा बॉर्डर है, जो कि पाकिस्तान का है। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी लोग भी धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। गाइस,
गाइस ये बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी सच में मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। यहाँ पर पहुँचने के बाद अपने देश के प्रति जो गर्व महसूस होता है ना, वो तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। कार्यक्रम के शुरू होने से पहले देश के कोने कोने से आए हुए महिलाएं और बच्चे, यहाँ तक कि विदेशी भी देशभक्ति गानों पर डांस करते नजर आएंगे। किसी भी अन्य नारे का प्रयोग न करें। साथ ही आप सभी दर्शकों से निवेदन है, जब तक की पीड़ खत्म न हो सभी दर्शक अपने अपने स्थान पर बैठे रहे। देश समाप्ति के पश्चात ही अपने स्थान को छोड़े व स्टेडियम से बाहर निकलने के लिए स्टेडियम के मुख्य द्वार सुरक्षित द्वार व स्टेडियम स्थित एक्सिट वे का प्रयोग करें। एक बार फिर सुनिए, आप सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि प्रयोग समाप्ति तक सभी दर्शक अपने अपने स्थान पर बैठे रहे। बस यही था गाइस आज के वीडियो में। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।